आज के वीडियो में हम जानेंगे आउटडोर यूनिट में जो कैपेसिटर लगा होता है दो पोल और थ्री पोल का, इसका वायरिंग कैसे करते हैं, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। दो पोल का जो कैपेसिटर होता है वो सिर्फ कंप्रेसर के चलने के लिए लगा होता है। इसका वायरिंग कुछ इस प्रकार करेंगे। एक कैपेसिटर के दो पोल पे हम किसी भी एक पोल पे हम कंप्रेसर का स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे और ये दूसरे वाले पॉइंट पे हम कंप्रेसर का रनिंग देंगे। रनिंग वाला जो पॉइंट है यहीं पे हम मेन सप्लाई से कॉमन पॉइंट देंगे। इस कैपेसिटर में हम स्टार्टिंग या रनिंग किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं। थ्री पोल का जो कैपेसिटर है इसका वायरिंग कुछ इस प्रकार करेंगे। आप देख सकते हैं ये तीन पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट जो इस साइड वाला है, देखिए यहाँ पे फैन लिखा हुआ है, ये आउटडोर के फैन के लिए है। यहाँ पे आउटडोर का जो फैन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट लगेगा। और ये दूसरे साइड पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हार्म लिखा हुआ है, ये कंप्रेसर का स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये जो तीसरा पॉइंट है ये मोटर का और कंप्रेसर का दोनों का रनिंग पॉइंट है। यहाँ पे दोनों का रनिंग पॉइंट लगाएंगे और मेन सप्लाई से कॉमन वाला पॉइंट लाके यहाँ पे लगाएंगे। हमारे आईडीटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।